गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम हमारा जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, बट कुछ और एग्जाम्पल भी मैं आज आपको देती हूँ। केमिकल कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन है उसमें ए प्लस बी गिव सी टाइप का हमारा रिएक्शन होता है, यानी कि दो कंपोनेंट जो होते हैं वो मिलकर कोई तीसरा कंपोनेंट बनाते हैं। इसी सीरीज़ में एक एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं जो हमको यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया जाता है इस टाइप का रिएक्शन करने के लिए। जब हम स्लैक लाइम की रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, बेसिकली ये रिएक्शन जो है हम घरों में वाइट वॉशिंग की प्रोसेस में यूज़ करते हैं। जब हम वाइट वॉशिंग कराते हैं घरों के अंदर, और वाइट वॉशिंग में जब हम लोग स्लैक लाइम यानी कि चूने का पानी जिसे हम बोलते हैं इसका हम यूज़ करते हैं, तो यूज़ करने पर स्लैक लाइम तो हमें मिला, प्लस जब इन्वायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो एक थिन लेयर बनती है कैल्शियम कार्बोनेट की, और ये प्रोसेस होने में 2 to 3 days लग जाते हैं, और आफ्टर 2 to 3 days हम लोगों को एक शाइन जो होती है हमारे घरों में नज़र आती है। तो ये भी एक एग्जांपल होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब अगली जो रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इज नेम इंडिकेट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर जो रिएक्टेंट होते हैं वो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके किसी एक मॉलिक्यूल के रिएक्टेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। बेसिकली ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन के अंदर हम लोग एक सीरीज़ का यूज़ करते हैं, सीरीज़ को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या होता है, हमारे पास एक एलिमेंट होता है हाइड्रोजन जो कि सेंटर में होता है, ये हमारा रेफरेंस एलिमेंट होता है। कुछ एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस किए होते हैं और कुछ एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे प्लेस किए होते हैं। वो सारे एलिमेंट जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, और जो एलिमेंट हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं वो नीचे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर लेस रिएक्टिव। जनरली ये नॉबल एलिमेंट होते हैं लाइक गोल्ड, कॉपर, प्लैटिनम एक्सेट्रा। वो सारे एलिमेंट जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, अगर वो एलिमेंट या उनके कंपाउंड हाइड्रोजन या हाइड्रोजन एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उस प्रोसेस में रिलीज़ होगी। जबकि अगर हम नॉबल एलिमेंट की रिएक्शन हाइड्रोजन एसिड के साथ में कराते हैं तो उन एलिमेंट्स का हाइड्रोजन एसिड के ऊपर कोई रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होता। ये बेसिक कंसेप्ट है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज़ का, या ऐसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, यहाँ पर सबसे पहले व्हेन जिंक रिएक्ट विद HCl, व्हेन जिंक रिएक्ट विद 2 molecules ऑफ HCl देन इट फॉर्म जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए मैंने अपवर्ड एरो इसलिए हाइड्रोजन गैस को अपवर्ड एरो के थ्रू इंडिकेट करा है, क्योंकि हाइड्रोजन जब यहाँ से रिलीज़ हो रही है तो गैस के फॉर्म में हो रही है, जिंक जो हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस करा हुआ है। सिमिलरली व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड देन इट फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीजेज इन दिस प्रोसेस। ये दोनों ही एलिमेंट हमारे हाइड्रोजन से ऊपर रखे हुए हैं, इसलिए दोनों ही एलिमेंट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसे रिलीज़ कर देंगे। ये रिएक्शन है, आपको ये आपके डेमो में भी 10th level के जो प्रैक्टिकल है उनके डेमो में भी देखने को मिलेगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन सपोज़ करो मैं इसकी रिएक्शन कॉपर के साथ में करा रही हूँ तो आगे हम लोग लिखेंगे नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन यहाँ ऑब्जर्व नहीं हो रही है। इसका रीज़न ये है कि जो कंपोनेंट है हमारा कॉपर, ये कॉपर हाइड्रोजन से बिलो प्लेस किया, दैट मीन्स कि कॉपर जो है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए कोई भी रिएक्शन यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं होगी। तो ये हमारी रिएक्शन का सेकंड टाइप था जिसे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा। अब थर्ड जो रिएक्शन है हमारी, उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर हमारी जो थर्ड रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन दैट इज़ नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन थोड़ी सी लेंथी रिएक्शन है, इस नेम इंडिकेट डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कंपोनेंट ए जो होता है अंडर पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंडीशन दिस कंपोनेंट ए गेट ब्रेक डाउन एंड फॉर्म कंपोनेंट बी और सी, यानी कि एक कंपोनेंट को जब हम ब्रेक करते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, बाय द एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर, बाय द एप्लीकेशन ऑफ लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी एनर्जी का सोर्स देकर जब हम इस कंपोनेंट को ब्रेक करते हैं तो हमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट मिलते हैं। मतलब इस तरह की रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट का नंबर तो बहुत कम होता है, बट जो प्रोडक्ट होते हैं उनका नंबर हमें ज़्यादा मिलता है। सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, हमने लिया यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट गेट हीटेड दिस डेल्टा साइन इंडिकेट हीट देन इट फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एक कंपोनेंट को हीट करने पर हमें दो कंपोनेंट यहाँ पर मिलते हैं। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने कहा कि पर्टिकुलर टाइप की कंडीशन, और वो कंडीशन है यहाँ पर बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट और एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारी जो रिएक्शंस होती हैं डिकम्पोजिशन में उसे हम बांट सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा टाइप है वो है यहाँ पर थर्मोलाइटिक रिएक्शन। फर्स्ट जो रिएक्शन हमारे वो है थर्मोलाइटिक रिएक्शन। अब देखिए थर्मोलाइटिक रिएक्शन क्या होगा, थर्मो मतलब होता है यहाँ पर हीट। वो सारी रिएक्शन जो हीट के प्रेजेंस में हो या हीट उसमें यूज़ हो रही हो ब्रेक करने के लिए, वो रिएक्शन कहलाती है थर्मोलाइटिक रिएक्शन। एग्जाम्पल हम लोग यही यूज़ करते हैं कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम ऑलमोस्ट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। सिमिलरली हमें हम और भी रिएक्शन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग यूज़ करें, सपोज़ हम लोगों ने यूज़ करा यहाँ पर एलुमिना Al2O3, जिसे हम एलुमिनियम ऑक्साइड भी एलुमिना भी बोलते हैं। इसकी रिएक्शन जब हम लोग आयरन के साथ कराते हैं, ये जब प्रोडक्ट बनाता है यहाँ पर भी हमको उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है, तो हमें मिलेगा Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। ये हमें रिएक्शन यहाँ पर मिलती है। देखिए ये जो रिएक्शन होती है ये हम थर्माइट वेल्डिंग की प्रोसेस के अंदर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ही हो रही है। तो ये हमारा टाइप हुआ थर्मोलाइटिक रिएक्शन, वो रिएक्शन जो इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर रन करती है। दूसरा हमारा टाइप है रिएक्शन का थर्मोलाइटिक के बाद में, अगली जो रिएक्शन है हमारी वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में क्या होगा, इज नेम इंडिकेट इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी का ही फॉर्म है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन के अंदर हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और यहाँ हम कर रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। अब देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर के अंदर एक तरह का हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रहे हैं। आप इस सेल के अंदर हम लोगों ने क्या करा है, हमने वाटर का यूज़ करा है, और वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट प्योर वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर। तो इस वाटर को कंडक्टिंग बनाने के लिए, इसे ब्रेक करने के लिए इसमें हमने ऐड करा है अ लिटिल क्वान्टिटी ऑफ सॉल्ट, या जिसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं ये मॉलिक्यूल ब्रेक होकर हमें 2 मोल तो दे रहे हैं ऑक्सीजन गैस, और 1 मोल हमें देंगे यहाँ पर ऑक्सीजन गैस। इस रिएक्शन के से हमें यहाँ पर पता चलता है कि पानी का जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन जो है उसका नंबर, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जबकि ऑक्सीजन का वॉल्यूम उसके अंदर कम होता है। हाइड्रोजन हमें हमेशा डबल क्वांटिटी में मिलती है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन गैस। तो ये जो रिएक्शन है हमारी वो कहलाती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन के बाद हमें बताना है तीसरी टाइप की रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं फोटोलाइटिक रिएक्शन। देखिए फोटोलाइटिक, फोटो मतलब होता है लाइट, लाइटिक मतलब होता है ब्रेक करना। तो फोटोलाइटिक रिएक्शन मतलब इसमें जो ब्रेकिंग होती है, यानी कि कंपोनेंट जो यहाँ पर ब्रेक होता है, इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ब्रेकिंग टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट और सर्टन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट। जैसे कि हम जब फोटोग्राफिक रिएक्शन करते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड, ट्वाइस AgBr, दैट इज़ सिल्वर ब्रोमाइड। इस सिल्वर ब्रोमाइड पर आकर जब सनलाइट यानी कि रेडिएशन पड़ते हैं पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के, तो ये जो कंपोनेंट है वो डिसोशिएट हो जाते हैं। हमें मिलेगा यहाँ पर सिल्वर प्लस हमें मिलता है यहाँ पर ब्रोमीन। तो ये जो रिएक्शन है वो जब होती है जब एक पर्टिकुलर टाइप की फ्रिक्वेंसी के एनर्जी के रेडिएशन आकर इस कंपोनेंट के ऊपर पड़ते हैं, और ये कंपोनेंट जो होता है इस प्रोसेस के अंदर सेपरेट हो जाता है। तो ये रिएक्शन हमारी एग्जांपल है यहाँ पर फोटोलाइटिक रिएक्शन का, जिसमें कंपोनेंट ब्रेक होकर 2 मोर कंपोनेंट का फॉर्मेशन करता है। ये तीनों ही रिएक्शन कम्बाइंडली हमारी कहलाती हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन में आगे हमें देखना है 2 वर्ड्स बहुत कॉमनली आप लोग अपने इस कंटेंट के अंदर पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर
एक्वस टाइप की रिएक्शन जो जनरली हम लोग केमिस्ट्री में ऑब्जर्व करते हैं वो रिएक्शन हमारी कहलाएंगी। फर्स्ट रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होंगी, इज नेम इंडिकेट एक्सो, एक्सो मतलब हीट रिलीजिंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती हैं वो कैसी होती हैं, हीट रिलीजिंग रिएक्शन। हीट रिलीजिंग रिएक्शन मतलब, देखिए हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हर तरह की केमिकल रिएक्शन में हीट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कभी भी केमिकल रिएक्शन में या तो हीट एब्जॉर्ब होती है या फिर हीट रिलीज होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि जब रिएक्टेंट से हम लोग आगे जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट रिलीज होती है, यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो लेस हीट का बनता है और जो रिएक्टेंट है वो हाई हीट का होता है। ये बेसिक फंडा होता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अब इसमें एग्जांपल अगर हम लोग लें तो एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन मीन्स होता है जो फूड मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग जो बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन गेन करते हैं, उन फूड मटेरियल का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है देन आफ्टर दे प्रोड्यूस एनर्जी न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी। तो फूड मटेरियल का ऑक्सीडाइज होना और उससे एनर्जी रिलीज होना, ये प्रोसेस होती है हमारी एक्सोथर्मिक। तो ये जो प्रोसेस होती है, अगर मैं इसको केमिकली लिखूँ तो क्या लिख सकते हैं, व्हेन ग्लूकोज C6H12O6 इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देन इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लॉट्स ऑफ एनर्जी। ये जो प्रोसेस हमारी होती है, इस प्रोसेस के अंदर उसे लगती है एनर्जी, मतलब इस एरो के ऊपर मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ रिलीज़ होने वाली जो प्रोसेस है, हम कहें कि फाइनली जो प्रोडक्ट हो रहा है उस प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें ब्रेकिंग हुई है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, और ब्रेक होने के बाद जो हमें फाइनली चीज़ मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो मिल रहा है प्लस हमें क्या मिल रहा है, एनर्जी। इसलिए हीट रिलीज़ हुई, एनर्जी के फॉर्म में हीट यहाँ पर रिलीज़ हो रही है, इसलिए रिएक्शन हमारी एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अब दूसरी जो रिएक्शन है वो भी हमारा एक नेचुरल एग्जाम्पल ही है, जिसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट टू डेट ऑफ एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। जैसे जो हमारा रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट को मुझे हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा, उससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। मतलब रिएक्टेंट जो है वो क्या है, लो हीट का है, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, हाई हीट का बनेगा। तो इस तरह की रिएक्शन जो होती है वो हमारी कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम एग्जांपल लें तो देखिए हमारे नेचर में बहुत सारे हम कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन चलती है, या हमारे नेचर में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं। तो नेचर में प्रेजेंट जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल हैं, उन कॉम्प्लेक्स मटेरियल का मॉलिक्यूल क्या, या किसी डेड बॉडी का ब्रेक होकर उसका सिंपल कंपोनेंट में कन्वर्ट होना, उस डेड कॉम्प्लेक्स का सिंपल कंपोनेंट में कन्वर्ट होना, ये एग्जांपल होता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। हम इसको समझने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए एक फिजिकल चेंज का भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज़ हम लोगों ने आइस लिया, और आइस को जैसे ही हम लोग हमारे हैंड से टच करते हैं, इट कन्वर्टेड टू वाटर, है ना। ये सब हम केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में नहीं ले सकते, जस्ट अ फिजिकल चेंज। बट समझाने के लिए कि हीट किस तरह से कंपोनेंट को चेंज कर सकती है, अपन एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हमने आइस लिया और आइस को हम जैसे टच करते हैं तो हमारी बॉडी की हीट का यूज़ करके आइस किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें कि कंपोनेंट जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस तरह से हमारी दो टाइप की केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट टाइप है हमारा रिएक्शन का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसे हम आयनिक रिएक्शन भी कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि दो आयनिक कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, और वो कंपोनेंट जिसकी एफिनिटी किसी दूसरे आयन के लिए ज़्यादा होती है वो मिलकर एक स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इन अदर वर्ड्स इसी टाइप की रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इस तरह के कंपोनेंट के अंदर मेनली हमेशा प्रेसिपिटेट
भी फॉर्म होते हैं और यही इसका आइडेंटिफिकेशन होता है, इसलिए यह रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें समझना होगा, जो एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि अपन इसको कह रहे हैं आयनिक रिएक्शन, तो इस आयनिक रिएक्शन में क्या होगा, हमने लिया है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड रिएक्ट टू फॉर्म बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, आयंस फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन इज़ नोन एज कैटायन एंड नेगेटिव इज़ नोन एज एनायन। सिमिलरली हियर बेरियम इज कैटायन एंड क्लोरीन इज एनायन। हियर बेरियम सल्फेट इज फॉर्म एंड सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म। अब आप देखेंगे इस रिएक्शन में क्या हुआ है, जो ऑलरेडी अवेलेबल मॉलिक्यूल था रिएक्टेंट साइड पर, उसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। जैसे सोडियम ने रिएक्ट कर लिया क्लोरीन के साथ एंड बेरियम ने रिएक्ट कर लिया सल्फेट के साथ में, थे या सभी आयनिक बट इनकी एफिनिटी एक्सचेंज करने के बाद में ज़्यादा स्टेबल हुई, मतलब एक्सचेंज करने के बाद में ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बना पाए। और इस तरह से इस रिएक्शन के अंदर हमें बेरियम सल्फेट के वाइट कलर के पीपीटी मिले। तो बेरियम सल्फेट के वाइट कलर के पीपीटी का मिलना इंडिकेट करता है कि रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन में अगर हम कलर को मार्क कर सकते हैं तो ये हम प्रोडक्ट को भी मार्क कर सकते हैं। बेसिकली आयनिक रिएक्शन जितनी भी होती हैं वो सब प्रेसिपिटेशन डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन होती हैं। तो ये हमारा टाइप हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। नेक्स्ट हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो रिएक्शन है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप की रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या हमें इन शॉर्ट कहते हैं इसे रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कंबाइन करें, जैसे रिडक्शन का RED ले लें, ऑक्सीडेशन का OX लें, तो इसे हम बोल सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये हम ओल्ड डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, एज़ पर बुक जो हमें दी गई है ओल्ड डेफिनेशन, इस ओल्ड डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी सब्सटेंस का, किसी एलिमेंट का अपने ऊपर ऑक्सीजन को गेन कर लेना, साथ ही साथ या हाइड्रोजन को लूज़ करना, ये दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर एग्जिस्ट करती है तो हम बोलेंगे सब्सटेंस का हुआ है ऑक्सीडेशन। दूसरी रिएक्शन है हमारी, दूसरी जो हमारा टाइप है रिएक्शन का, वो है रिडक्शन। रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट होता है, वो प्रोसेस जिसके अंदर हाइड्रोजन को गेन किया जाता है जबकि ऑक्सीजन को लूज़ किया जाता है। देखिए ये दोनों ही रिएक्शन जो होती हैं, ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन, ये साइमल्टेनियस रिएक्शन है, मतलब इन दोनों का साथ साथ में होना ज़रूरी है। दोनों ही रिएक्शन हम कह सकते हैं 50-50% रिएक्शन होती है। अगर ये 50% रन नहीं करेगा तो 50% रिडॉक्स भी रन नहीं करेगा, 50% रिडक्शन भी रन नहीं करेगा। तो इन दोनों रिएक्शन का साइमल्टेनियस होना ज़रूरी है। तो जब भी आप कोई रिएक्शन देखे हैं, अगर उसमें ऑक्सीडेशन है तो डेफिनेटली उसमें रिडक्शन भी होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन अपॉन हीटिंग इट फॉर्म कॉपर प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब आप देखें यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, देखो कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्ट कर रहा है तो जब प्रोडक्ट साइड पर देख रहे हैं तो कॉपर ने अपने ऑक्सीजन का क्या कर दिया, यहाँ पर लॉस कर दिया है। हाइड्रोजन को आप देखेंगे तो हाइड्रोजन ने क्या करा है, ऑक्सीजन को गेन कर लिया है। तो देखो कॉपर ने ऑक्सीजन का लॉस करा, कॉपर ने जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन करा तो हम बोल सकते हैं कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन। वहीं हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन करा तो हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन का क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस तरह से एक सिंपल रिएक्शन से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझ सकते हैं। और भी बहुत एग्जांपल है जो हम डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ जब आप एग्ज़ाम में इन चीज़ों को करेंगे, आप जब और इसको स्टडी करेंगे तो आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन जो फंडा है वो क्या क्लियर हुआ आपको, आप एग्ज़ाम्पल को कैसे क्लियर कर सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि जस्ट इक्वेशन आपको दे दी जाती है और चार चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे कि बताइए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपको क्लियर हुआ, मैं अभी आपको बता रही हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होता है, वो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन देते हैं या हाइड्रोजन लेते हैं। आप दोनों में से कोई एक चीज़ याद रखिए, आप सिर्फ ये याद रखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो हमेशा अपने में से ऑक्सीजन को दे देते हैं या फिर हाइड्रोजन को खुद पर गेन करते हैं। इसके अलावा सेकेंड डेफिनेशन भी है,
वो सब्सटेंस जो कि खुद को रिड्यूस करते हैं और दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, मल्टीपल कंसेप्ट है हमारे पास में, क्योंकि मैं पहले ही बोल सकती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियस चलती हैं, तो मल्टीपल कंसेप्ट है। आप कोई एक कंसेप्ट को याद रख के उसको फॉलो करिए, अपर वन इज़ बेस्ट। आप ये याद रखेंगे कि सब्सटेंस जो अपने में से ऑक्सीजन को देते हैं और हाइड्रोजन को लेते हैं, वो ऑलवेज कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने देखा, इससे जस्ट अपोजिट हमारे पास में है जिसे हम कहते हैं यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? वो सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन देते हैं और ऑक्सीजन को गेन करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वो सब्सटेंस जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दूसरे को रिड्यूस करते हैं, वो कंपोनेंट हमारे कहलाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए यहाँ पर इन जनरल सारी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। अब हमें यहाँ पर पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शन का इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये वैसे इजी कंसेप्ट है और हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट को हमको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, पहले तो हम ये देखें। कई बार कुछ ऐसे एग्जांपल होंगे जहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, फिर भी वहाँ पर हमें रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलती है। अभी हमने कहा कि हमें ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, उसका हाइड्रोजन के को लूज़ करना ज़रूरी है, बट कई बार ऐसा होगा कि हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म में या रिएक्शन प्रोसीजर में ना तो हाइड्रोजन है ना तो ऑक्सीजन है, कोई भी नहीं है, बट फिर भी वहाँ पर क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन रन कर रही है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ऑक्सीजन तो नहीं है बट ऑक्सीजन की फैमिली के अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक सल्फर है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, कोई अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर है, कोई नॉन मेटल एलिमेंट अगर प्रेजेंट है, तो भी वहाँ पर क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिल रही है। तो उस वे में अगर हम देखें तो हमारी ओल्ड डेफिनेशन तो इनकरेक्ट हो गई, तो अब एक नया कंसेप्ट हमारे पास में है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑक्सीडेशन क्या होगा? ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी सब्सटेंस का अपने में से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देना। जब हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट होगा, उस सब्सटेंस के उस एटम के पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट होता है, या फिर नेगेटिव चार्ज जो उस सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है वो ऑलरेडी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो आप आसानी से रिडॉक्स रिएक्शन को समझ पाएंगे। तो ऑक्सीडेशन में ऑलवेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसका एग्जांपल आप समझिए, सपोज़ करो मेरे पास में एक एटम है सोडियम का, सोडियम के पास आउटरमोस्ट शेल में होता है वन इलेक्ट्रॉन, कंपोजिशन इज 2.8.1। तो यहाँ पर जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सोडियम टर्न्स टू Na पॉजिटिव, इसने अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज करा इसलिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना इंडिकेट करता है कि सोडियम का क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज डिक्रीज कैसे होता है हम ये लोग देखें। सपोज करो वी हैव क्लोरीन एनायन, ये हमारा क्लोरीन का नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। जब ये अपने में से इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, इट टर्न्स टू न्यूट्रल स्पीशीज, क्लोरीन ने अपने में से इलेक्ट्रॉन का लॉस करा और वो न्यूट्रल स्पीशीज में कन्वर्ट हो गया, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। तो पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीमेंट या नेगेटिव चार्ज का डिक्रीज होना, ये दोनों ही चीज़ें किसको सपोर्ट करती हैं, ये कहलाती हैं ऑक्सीडेशन। सिमिलरली इससे जस्ट अपोजिट चीज़ है जिसे हम कहते हैं यहाँ पर रिडक्शन। रिडक्शन का इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट क्या होगा, जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ हम लूज़ कर रहे थे यहाँ हम गेन करेंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज जो होगा वो बढ़ जाएगा एंड पॉजिटिव चार्ज जो है एटम पर वो डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए मैंने कहा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सपोज करो वी हैव ऑक्सीजन, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 2.6। जब ये अपने में दो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसे स्टेबिलिटी के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन टर्न्स टू ओ ट्वाइस नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज में इंक्रीमेंट हुआ, दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिडक्शन। सिमिलरली हमारे पास में हम एग्जांपल ले रहे हैं पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। देखिए पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट कर रहा है कि उसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है। सपोज़ हमारे पास में प्रेजेंट है Mg ट्वाइस पॉजिटिव, इसने क्या करा, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करा। जब ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो Mg ट्वाइस पॉजिटिव ने दो इलेक्ट्रॉन जब ले लिया तो इट टर्न्स टू न्यूट्रल स्पीशीज Mg। तो यहाँ Mg वाला जो एग्जांपल है ये भी शो करता है रिडक्शन को।
तो यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट मैंने आपको बताए। ये हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन था इन वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट और इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज।